आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मूंग की दाल और पनीर के चिल्ले बनाने जा रहे हैं। आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या सामान यूज होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। एक कटोरी मूंग की धुली हुई दाल, 200 ग्राम पनीर, आधी कटोरी कटा धनिया, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और सेकने के लिए तेल। सबसे पहले हम दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देते हैं और पनीर को कस लेते हैं। दाल को भिगे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। दाल हमारी पूरी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए, दाल हमारी मोटी हो गई है, फूल गई है और पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब दाल को हम पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है। पनीर में हम मसाले मिला देते हैं। नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, धनिया, इन सबको हम आपस में मिला लेते हैं। पनीर में मसाले मिला लिए हैं। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तेज गैस पे हमने तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। तवा गर्म हो चुका है। अब ये पेस्ट हम तवे पर डाल रहे हैं। पेस्ट हमें ऐसा ही रखना है, इससे पतला नहीं करना। इसको हल्के हाथों से ही घुमाना है। आप बड़े छोटे अपनी मर्जी के बना सकते हैं। अब इसके चारों ओर हम तेल डाल देते हैं और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर भी डाल देते हैं। इसके साइड से किनारे छुटाते हुए हम इसको पलट देते हैं। दूसरी साइड से हमें कम सेकना है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं। हमारा चीला सिक चुका है। अब इसके अंदर हम पनीर भर देते हैं। अब इसको हम ऐसे करके मोड़ देते हैं। इसको हम उतार लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के चिल्ले भी तैयार कर लेते हैं। हमारे चिल्ले खाने के लिए तैयार हैं। कभी आप इन्हें नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में लंच में भी दे सकते हैं। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।